ओके, पहले कुछ तो फ्रिज जाएगा, उसके बाद हम लोग एक ही लॉबी में दोनों को बुलाते हैं, ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू स्पार्टन सब्स। आई होप गाइस अच्छे होंगे। सो अगर आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पबजी मोबाइल वियतनाम वर्जन, जो पबजी मोबाइल वीएन वर्जन, उसको ट्राई करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग केवल सुने थे और देखे थे, बट उसको इंस्टॉल करके चेक नहीं किया। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप इसको भी इंस्टॉल करें। आपके पास बहुत डेटा है तब इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। केवल आज हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। इससे पहले हम लोग कोरियन वर्जन में भी एक्सपेरिमेंट किए थे। हम लोग देखे थे कोरियन वर्जन और ग्लोबल वर्जन दोनों एक लॉबी में आ सकता है कि नहीं। वो लगभग एक साल हो चुका उसका वीडियो का, और उसके बाद तो अभी बहुत लोग डाउनलोड करके खेलते हैं। तो दोनों एक लॉबी में आ सकते हैं, दोनों मैच मेकिंग कर सकते हैं, बट जो इवेंट्स का जो कुछ आइटम होगा वो हम लोग शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग ऐप है या क्लाइंट है, बट सर्वर दोनों का सेम था। बट आज हम लोग वियतनाम वर्जन को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या ये ग्लोबल वर्जन का जो अकाउंट उसके साथ मैच मेकिंग करता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है कि नहीं। उसके साथ मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला, इससे पहले कभी भी मैं इसको इंस्टॉल नहीं किया हूँ ना ही देखा हूँ, तो इसलिए आपके साथ ही मेरा एक्सपीरियंस होगा और देखते क्या क्या चीज़ इसमें नया नया है। अगर फ्यूचर में पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन भी आता है तो ऐसे किस्म का ही आपको देखने को मिलेगा, कि टोटली अलग, बट जो सर्वर होगा शायद सेम हो सकता है। चलिए वो चीज़ हम लोग चेक कर लेंगे आज ही ये वीडियो में। जैसे कि आप देख पाए मेरे पास बहुत सारा पबजी मोबाइल है, तो जो फोर्थ नंबर में है ये वाला, वो हम लोग का पबजी मोबाइल वियतनाम वर्जन है। जस्ट मैं अभी इंस्टॉल किया और वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, अभी तक इसको ओपन नहीं किया हूँ। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ फर्स्ट टाइम। और एक चीज़ बता देता हूँ, मैं किसी का वीडियो में देखा था शायद, उन्होंने बोला था कि, रुकिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता, कि जो हम लोग ग्लोबल वर्जन है वो अकाउंट से साइन इन नहीं करने देते, वो पूरा डेटा इसमें चल जाता है। मुझे आइडिया नहीं है, तो फॉर द सेफर साइड हम लोग एकदम फ्रेश अकाउंट यूज़ करेंगे। जो हम लोग का ग्लोबल वर्जन में लिंक्ड है वो अकाउंट डेफिनेटली नहीं यूज़ करेंगे, रिस्क नहीं लेना है। तो इसलिए हम लोग एकदम फ्रेश, जिसमें कभी भी कोई भी वर्जन में अकाउंट बना नहीं है, वही अकाउंट को मैं यूज़ करने वाला हूँ। रिस्क हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं, केवल देखिए और पता कीजिए कि कैसा है देखने में। तो जैसे कि आप देख पर, मैं आपको बता रहा था कि जैसे इधर, जैसे कि आप देख पर इसमें टेंसेंट गेम नहीं लिखा हुआ, VNG गेम्स लिखा हुआ। तो यही चीज़ होने वाला इंडियन वर्जन में, टेंसेंट हट जाएगा और जो भी पब्लिशर पब्लिश करेगा, मान लीजिए एयरटेल पब्लिश कर देता है, तो उधर एयरटेल लिखा रहेगा ना कि टेंसेंट गेम्स, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो ये अभी कंपाइल हो रहा है, फटाफट ये कंपाइल होने देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस है। मैं भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं ट्राई नहीं किया था, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ा था। बट अगर फ्यूचर में ऐसे इंडियन वर्जन आया तो मैं सोचा कि चलो आज ऐसे भी कुछ अलग इवेंट उमेंट आया नहीं, तो चलो यही वीडियो बना देते हैं। बहुत दिन से मैं सोच रहा था, आज मैं इंस्टॉल किया हूँ, आज मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। फटाफट ये कंबाइन होने देते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ। ओके गाइस, जैसे कि आप देख पाए ये कंपाइल हो चुका है। और एक चीज़ मुझे नया देखने को मिला, वो ऊपर में आप देख पर 18+ कुछ लिखा हुआ है वियतनाम वर्जन, वो मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ, बट हम लोग करेंगे ये कि देखते क्या क्या ऑप्शन है। गेस्ट अकाउंट अवेलेबल है, तो गेस्ट से ट्राई करेंगे हम लोग। ओके, इसमें कुछ डेट ऑफ बर्थ सेट करना होगा। ओके, गेस्ट अकाउंट से करते, कोई अकाउंट का लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ डाल देते इधर, इसमें इंडियन फ्लैग है कि नहीं देखते एक मिनट। हाँ, इंडियन फ्लैग तो है यार, स्पार्टन। सो डन डन डन, क्रिएट करते। अच्छा, मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये नाम मैं उसमें तो लिया हूँ, मेरे को लगता है ये कोरियन वर्जन जैसा नहीं है। एक सेकंड करते दूसरा कुछ। ओके, ये हो गया। अगर दोनों अकाउंट लिंक्ड है तो रुकीस प्रो हो चुके होंगे। आप लोग कमेंट कीजिए मैं प्रो हो कि नो, प्रो करके रखते नहीं तो फिर पूरा ट्यूटोरियल दिखाएगा। तो इधर आप देख पा रहे हैं कम्प्लीटली तो सेम ही लग रहा मेरे को, कुछ तो चेंजेस नहीं दिख रहा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इधर, मेरे को लगता है ग्लोबल वर्जन और वियतनाम वर्जन सेम ही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं RP में हम लोग क्लिक करते हैं, RP तो सेम है, गलती कर दिया मैंने ये क्लिक करके, इसके पर RP तो दो सब में सेम होता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके,
ओके, कम्प्लीटली सेम है ग्लोबल वर्जन जैसा। तो हम लोग क्रेट में चलते हैं, तो क्रेट में भी कम्प्लीटली सेम है, जो हम लोग ग्लोबल वर्जन है उसे रेप्लिकेट किया गया है, और क्वेयर वर्जन टोटली अलग है, तो इसलिए आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। बट ग्लोबल वर्जन वियतनाम वर्जन दोनों सेम है, केवल अलग अलग क्लाइंट है। और इवेंट में क्लिक करेंगे तो होप करते हैं कि ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिलेगा जब हम लोग का इंडियन वर्जन आएगा। तो इधर आप देख पर इवेंट्स थोड़ा चेंज है, इवेंट तो आपको पता है अलग अलग रीजन का अलग अलग इवेंट होता है कुछ कुछ। तो रिकमेंडेड में जाते हैं हम लोग, तो रिकमेंडेड में जैसे कि आप देख पर ये चीज़ भी हम लोग ग्लोबल वर्जन में, और ये सब सेम है, कुछ इवेंट अलग है। जैसे कि आप देख पर ये आउटफिट मिलने वाला है टाइम लिमिटेड, ओके ये भी तो सेम ही है यार, ये भी सेम है, सेम ओके कम्प्लीटली सेम है। डाउनलोड मत कीजिएगा गलती से भी, चलो ठीक है। उसके साथ एक चीज़ ट्राई करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम लोग प्रीमियम कूपन मिलेगा राइट, तो इसमें हम लोग प्रीमियम कूपन ले लेते हैं, इसको ओपन भी कर लेते हैं। रुके, वो उसका प्रीमियम क्रेडिट तो है ही नहीं, मैं तो कम्प्लीटली भूल ही गया था, लोल मेरे साथ लोल हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे देखना है, वो है मेरा कैरेक्टर आईडी। अच्छा अब तो नहीं होने वाला, जैसे कि आप देख पा रहे जो आईडी नंबर है 5 से स्टार्ट हुआ, हम लोग ग्लोबल वर्जन ही 5 से स्टार्ट है, ये भी वर्जन 5 से स्टार्ट हो। देखते एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते अपने मेन आईडी में, ओके ये सब हटाओ, इधर से भेजते फ्रेंड रिक्वेस्ट 53530 2571, ठीक है ओके। फ्रेंड रिक्वेस्ट तो भेज जाएगा, उसके बाद हम लोग एक ही लॉबी में दोनों को बुलाते हैं ठीक है। सबसे पहले मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो गाइस दिक्कत वाला बात नहीं, आप दोनों मैच मेकिंग कर सकते हैं, अगर ग्लोबल वर्जन है और वियतनाम वर्जन है दोनों एक साथ खेल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही वर्जन है। मैं जैसे कि बताया स्टार्टिंग में ही दोनों एक ही वर्जन है, और एक इसमें एक और फ़ायदा ये है कि कुछ इवेंट आएगा भी तो दोनों क्लाइंट में आप कुछ भी इवेंट का रिवॉर्ड वर्ड शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का प्लेटफॉर्म एक ही है। बट अगर आप देखे होंगे कोरियन वर्जन का मैं एक वीडियो डालता था जिसमें आपको बताया था दोनों का क्लाइंट अलग है, एक साथ मैच मेकिंग कर सकते हैं, बट रॉयल पास का कुछ रिवॉर्ड वर्ड आप नहीं भेज सकते। ओके गाइस आपको समझ में तो आ ही चुका है कि दोनों मैच मेकिंग कर सकते हैं एक साथ, और इसका सर्वर भी आपको दिखा देता हूँ क्या क्या सर्वर है। तो टोटली सेम ही होगा जितना मुझे लगता है, सेलेक्ट द मोड्स और सेटिंग में चलते हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे जितना भी सर्वर हम लोग का ग्लोबल वर्जन में केयर वर्जन में सब सेम है। और यही चीज़ का मैं बात कर रहा था, जब भी हम लोग का ग्लोबल वर्जन में या इंडियन वर्जन आता है तो सब कुछ सेम रहेगा, दोनों का क्लाइंट केवल अलग रहेगा और जो पब्लिशर रहेगा वो कम्प्लीटली अलग रहेगा। आपका तो दोस्त रहेगा जो ग्लोबल वर्जन खेलते होंगे दूसरा कंट्री से, उसके साथ भी आप मैच मेकिंग कर सकेंगे। मेन मोटिव था यह वीडियो बनाने का वही दिखाना था कि अगर इंडियन वर्जन आता भी है आप ग्लोबल वर्जन का जो बंदा है जो आपने फ्रेंड बनाया है इतना दिन से उसके साथ खेल सकते हैं कि नहीं। जी हाँ आप खेल सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे, बट एक क्राइटेरिया है, अगर गेम फॉर पीस जैसा बनता है, गेम फॉर पीस का आपको पता है टोटली चाइनीज ही सर्वर है, उसमें दूसरा ग्लोबल वर्जन कोरियन वर्जन किसी के साथ मैच मेकिंग नहीं होगा, तब दिक्कत पड़ सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि वैसे कुछ बनेगा, अगर बना तो आपको केवल इंडियन बंदे लोग के साथ ही खेल सकते हैं, नहीं तो बाहर से जो इंडियन वर्जन डाउनलोड करेंगे उन्हीं के साथ केवल खेल पाएंगे, बाहर का कोई भी सर्वर नहीं रहेगा, तब मुझे लगता है दिक्कत होगा। और ई स्पोर्ट का प्रोस्पेक्टिव में शायद वो चीज़ नहीं होगा, तो पबजी मोबाइल कोशिश करेगा कि जैसा वियतनाम वर्जन का पब्लिशर अलग है बट जो गेम का सर्वर है एक जैसा ही, आप देखा जितना भी सर्वर इसमें है उसमें भी है टोटली, और मैच मेकिंग कर सकते हैं, इवेंट भी शेयरिंग कर सकते हैं। कोरियन वर्जन और ग्लोबल वर्जन का जो इवेंट वो शेयर नहीं कर सकते, बट वियतनाम वर्जन और ग्लोबल वर्जन का इवेंट का जो मटेरियल वो आप शेयर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का जो आईडी नंबर आप बोल सकते सेम है। और ये चीज़ है, और ये चीज़ का बात कर रहा था कि आईडी नंबर सेम होगा मतलब 5 से स्टार्ट होगा, तो यही आईडी नंबर या यही डेटा का अगर हम लोग इंडियन वर्जन में दे देता है तो हम लोग का जो डेटा है, मतलब मान लीजिए ये मेरा स्पार्टियन सुप सीसी स्पार्क सुप जो है उसका जो पूरा ड्रेस है, आउटफिट है, पैन स्किन जैसे कि आप देख पा रहे कम्प्लीटली मेरा इंडियन वर्जन में आ जाएगा। और यही चीज़ वियतनाम वर्जन में भी किया गया था जब ये ट्रांसफ़र हुआ था 2018 में, सब डेटा, ये तो मेरा पहला अकाउंट इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, बट जितना भी डेटा जो लोग ग्लोबल वर्जन में खेलते थे वियतनाम का बंदे लोग उसका डेटा वियतनाम वर्जन में आ चुका था, और उसके बाद वापस से वो जो जो चीज़ खरीदे थे वापस से उसको खरीदने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा कि जितना भी क्रेट्स है सब कुछ सेम है, सिमिलर है राइट, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, ऑलरेडी आपको पता है क्या क्या चीज़ है, कुछ नया नहीं है।
टोटली सेम है। कोरियन वर्जन में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिला है, बट ग्लोबल वर्जन और वियतनाम वर्जन का चेंजेस नहीं है, केवल रेप्लिकेट किया गया है और नाम और पब्लिशर चेंज है। दोनों मैच में एक साथ कर सकता है, यही चीज़ को मुझे लगता है इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगर इसमें अप्रूवल मिलता है तो। आई होप आपका डाउट जो था वो क्लियर हो चुका होगा और लेट्स सी क्या होता है, फिंगर क्रॉस करके रखते हैं। कल तो एयरटेल के साथ बातचीत स्टार्ट हुआ, देख लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप डेटा वोटा वट वेस्ट कीजिए, मैं आपको कम्प्लीटली दिखा दिया हूँ, इसमें कुछ देखने लायक है ही नहीं। कोरियन वर्जन में बहुत कुछ देखने लायक है, जैसे क्रिएट उसका अच्छा आता है, रिवॉर्ड आपका अच्छा मिलता है, बट इधर भी आप देख पा रहे यूसी एजी करेंसी दोनों का सेम है, ग्लोबल वर्जन है वियतनाम वर्जन, इसलिए मैं भी चला इसको अनइंस्टॉल करने, कोई फ़ायदा नहीं है। 50 पबजी रख के मोबाइल का रैम आप बोल सकते स्टोरेज ही खाली भरेगा। तो ठीक है, मेरा काम इतना ही था। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो में और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, बहुत सारा डाउट्स क्लियर हो चुका होगा। जब कुछ कुछ चीज़ प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं देखते तो आपको समझ में नहीं आता। तो अगर आप चैनल पर नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए होगा तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।